अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया आईएनएक्स मीडिया की एक सीईओ इंद्राणी मुखर्जी को। इंद्राणी मुखर्जी के इस अरेस्ट ने पूरे देश में चर्चा शुरू कर दी। आरोप ये थे कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बहन शीना बोरा का 3 साल पहले मर्डर किया है। क्या मोटिव था इंद्राणी मुखर्जी का? और फिर इसके बाद लोग शांत हो गए अंटिल इस न्यूज ने सबके होश उड़ा दिए और नेटफ्लिक्स को डॉक्यूमेंट्री का आईडिया दे दिया है। नेटफ्लिक्स 2015 में था क्या? नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली निकाली एक डॉक्यूमेंट्री द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरी ट्रूथ, और इसके बाद से इंद्राणी मुखर्जी फिर से चर्चा में आ गई। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री से सवालों के जवाब मिले या और सवाल खड़े हो गए? जानते हैं इस वीडियो में द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन कार्डेशियंस इंद्राणी मुखर्जी केस। अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने शीना बोरा के मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया और उसी के अगले दिन पुलिस ने इस केस में अरेस्ट किया इंद्राणी मुखर्जी के एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना को। चार्जेस थे मर्डर, किडनैपिंग, डिस्पोजिंग ऑफ एविडेंस एंड व्हाट नॉट। फिर पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी के करंट हस्बैंड पीटर मुखर्जी को 19 नवंबर 2015 में अरेस्ट किया। पीटर मुखर्जी इंद्राणी मुखर्जी Husband has been arrested. इस इन्वेस्टिगेशन में पहले कहा जा रहा था कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बहन है, पर 26 अगस्त 2015 को मिखाइल बोरा शीना बोरा के भाई ने रिवील किया कि शीना बोरा इंद्राणी की बहन नहीं बेटी है। हैं? और मिखाइल बोरा भी इंद्राणी मुखर्जी का बेटा है, छोटा भाई नहीं। बट ये छुपा क्यों रहे? इंद्राणी मुखर्जी जब पीटर मुखर्जी से मिली जो स्टार मीडिया का सीईओ था, इंद्राणी को अपने सामने करियर अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी, तो उन्होंने अपना पहला मीडिया हाउस 2009 में शुरू किया आईएनएक्स मीडिया, जिसको बाद में रीनेम किया गया 9X मीडिया। याद है बड़े मियां छोटे मियां? याद है यारो, तुम इसके पास ना जाना। हां काम इसका सबका भी पकाना, सुपर पकाओ भी से जाते हैं डर, सब कहते हैं बकवास बन गए। I think now the CBI is doing their job very well and hopefully I will get justice very soon for my sister. But Indrani Mukherjee ka ek dark past tha. Sheena Bora unke first husband Siddharth Das ki beti nahi thi aur Sheena aur Mikhail sage bhai behan bhi nahi the. Indrani Mukherjee jab 16 saal ki thi tab unke father ne unka allegedly rape kiya aur ye baat jab Indrani ki mom ko pata chali to wo log alag ho gaye unke father se. Uske 3 mahine baad Indrani Mukherjee ki mom unhe hospital leke gayi और उन्हें पता चला कि इंद्राणी प्रेग्नेंट है और उनका अबॉर्शन अब पॉसिबल नहीं है। तो जब शीना और मिखाइल को इंद्राणी मुखर्जी लेके आई तो ये बात बाहर आती तो स्टार ग्रुप्स के लिए बहुत शर्म की बात थी। तो इंद्राणी ऑलरेडी मैरिड थी और फिर पीटर से शादी की, तो इस सच को छुपाने के लिए इंद्राणी ने अपने बच्चों से कहा कि वो उन्हें मम्मी नहीं दीदी बुलाए। News reports are coming in that a hitman was hired to kill Sheena's brother Mikhail Bora. Indrani ne apne ex husband Sanjeev ke bare mein to Peter ko bataya tha kyunki Sanjeev ki beti Vidhi bhi Peter ke saath rehti hai. But Indrani ka Sanjeev se bhi pehle ek pati tha aur usse pehle bhi jab shaadi nahi hui thi to pregnant thi. Ye baat sirf Sheena, Mikhail aur Indrani ko pata thi. Fir aage jaake Peter Mukherjee ki first wife ka beta Rahul Mukherjee aur Sheena Bora ka affair shuru hua. जिसे कहा जाता है कि किसी ने भी अप्रूव नहीं किया और राहुल और शीना ने एंगेजमेंट भी कर ली थी जो इंद्राणी मुखर्जी को पसंद नहीं था, क्योंकि इंद्राणी को तो सच पता था कि शीना उनकी बेटी है और राहुल उनका स्टेपसन। कहा जाता है कि मेन मोटिव ये भी हो सकता है मर्डर का। आई थिंक द मैक्सिमम पनिशमेंट व्हिच इज इन आवर इंडियन लॉ शुड बी गिवन टू देम। तो 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा अचानक से गायब हो गई। ऑन पेपर ये बताया गया कि राहुल ने शीना को मार्केट में ड्रॉप किया, उसके बाद शीना बोरा गायब हो गई। राहुल ने जब सबसे पूछा कि शीना बोरा कहाँ है तो कहा गया कि वो तो यूएस चली गई है पढ़ाई करने, और इसीलिए किसी ने भी 3 साल तक शीना बोरा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की। लिहाजा इंद्राणी ने खुद ही इस मसले को हल करने का फैसला किया, फैसला शीना को मार डालने का। ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था और इतना पुराना हो चुका था कि ना तो इस केस से रिलेटेड कोई प्रूफ था ना कोई विटनेस। सबको यही लग रहा था कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बेटी का मर्डर क्यों किया है। कहा जाता है कि पुलिस ने एक विटनेस प्लांट किया जो था श्यामवर राय, इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर, जिसने एलिजिबली कन्फेस किया कि शीना बोरा को संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी ने गला दबा के मार दिया। फिर 3 घंटे मुंबई में उस बॉडी के साथ घूमने के बाद उसे एक रात कैरेज में रखा और मर्डर के अगले दिन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में शीना की लाश को डिस्पोज कर दिया। This morning we have recovered the skeletal remains of the deceased Sheena Bora. और फिर allegedly 3 साल बाद पुलिस को एक random tip मिली
एक रैंडम ऑटो वाले से एक रैंडम बॉडी मिली है रायगढ़ के जंगलों में, जिसका डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो बॉडी शीना बोरा की है। और एलिजिटली संजीव ने इस क्राइम को कन्फेस कर लिया है। एंड ही हैज कन्फेस्ड टू हिज कॉम्प्लिसिटी इन द क्राइम। और पीटर मुखर्जी पे भी आरोप थे कि उन्हें इस डेथ के बारे में ऑलरेडी पता था और उनका हाथ शीना के डेथ को कवर करने में था। व्हेन यू हैव द ड्राइवर्स स्टेटमेंट, सो एटलीस्ट दैट इज एडमिसिबल एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस के पास इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर का कन्फेशन था, संजीव खन्ना का कन्फेशन था, और इसी वजह से इंद्राणी मुखर्जी पे ट्रायल चला। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री से भी पहले 2016 में एक मूवी आई थी डार्क चॉकलेट, जो इसी केस पे बेस्ड थी। आई नीड टू टॉक टू योर कमिश्नर। इस मूवी में भी एलिजिटली दिखाया गया था कि शीना बोरा प्लेड बाय रिया सेन का पीटर मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप था, जहां एक और एंगल दिखाया गया था कि पीटर मुखर्जी ने शीना का रेप किया था एंड शी वॉज प्रेग्नेंट, जिस फैक्ट को कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक फिल्म थी और इंडिया में फिल्म्स को सीरियसली कौन ही लेता। मैं लेता हूं। इन सब रेवलेशन के बाद मीडिया में तो हंगामा था इस न्यूज के बारे में। जितना इस केस में इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, उतने ही चीजें निकल के आ रही थी जो लोगों को और कंफ्यूज कर रहा था। एक तरफ इंद्राणी मुखर्जी पे मर्डर करने के लिए सवाल उठे कि एक मां ने अपनी बेटी का मर्डर क्यों किया, तो एक तरफ इस परिवार के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को लोग जज कर रहे थे। और सवाल ये उठ रहे थे कि 3 साल तक शीना बोरा जब मिसिंग थी तो मिसिंग कंप्लेंट की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। इंद्राणी को तो पता था ना कि शीना यूएसए में नहीं है। पर जब इंद्राणी मुखर्जी को जेल हुई और उसके लॉयर्स लगे हुए थे इस केस को लड़ने में, तो इंद्राणी मुखर्जी के लॉयर ने एक आर्ग्यूमेंट रखा कि वो जो डेड बॉडी रिकवर हुई है रायगढ़ से, वो शीना बोरा की है ही नहीं, और जो डीएनए टेस्ट किया गया है उसमें काफी फॉल्ट है, जिसकी वजह से कोर्ट में वो डीएनए टेस्ट नल एंड वॉइड माना गया। साथ में क्राइम के लिए मोटिव होना चाहिए, पर शीना के मर्डर में कोई डायरेक्ट मोटिव प्रूव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को थोड़ी ना मारेगी। जिसके वजह से इंद्राणी मुखर्जी के अगेंस्ट केस और वीक होता गया। साथ साथ इंद्राणी मुखर्जी की तरफ से एक और आर्ग्यूमेंट था कि शीना बोरा इज स्टिल अलाइव एंड शी इज आउट देयर, जिसके वजह से इंद्राणी मुखर्जी का केस स्ट्रांग हो गया। और 7 साल बाद 2022 में 18 मई को इंद्राणी मुखर्जी को बेल मिल गई। और इंद्राणी मुखर्जी के फाइनल ट्रायल में खड़ी थी लॉयर सना रईस खान, जो बिग बॉस 17 में दिखी थी। कोई केस जो हमें पता है? या लाइक टॉप मर्डर केस, शीना बोरा मर्डर केस। ओके, इस केस ने तो सबको सेलिब्रिटी बना दिया। हम कब? पर शीना बोरा का क्या हुआ? क्या ये मर्डर केस है या गॉन गर्ल केस? क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी के हिसाब से शीना बोरा इज आउट देयर एंड अलाइव। सनी जी, आप जब जेल में थी तो एक इंस्पेक्टर आपको मिली थी, कहा था कि शीना बोरा जिंदा है। मैं वो केस के बारे में कोई बात नहीं कर सकती, जो कुछ भी आपको पूछना है इनसे। नेटफ्लिक्स से पहले इस टॉपिक को शिमारो ने यूट्यूब पे दिखा रखा है, जहां ये मूवी सीआईडी, सावधान इंडिया एंड एवरी ओल्ड वाले शो का मिक्स लग रहा था। एंड ये मूवी एक फ्लॉप थी, इसलिए इसके बारे में ज्यादा लोगों को तो नहीं पता। पर वेल, फिर नेटफ्लिक्स वॉज लाइक होल्ड माई डॉक्यूमेंट्री, और फिर उन्होंने निकाला था इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी द बरिड ट्रूथ। इस डॉक्यूमेंट्री के 4 चैप्टर्स थे, 1-1 घंटे के, और पहली बार कोई मर्डर अक्यूज्ड सीधा नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में फीचर हुआ है। वैसे डॉक्यूमेंट्री मानना तो पड़ेगा, काफी एंगेजिंग है, मजा आया काफी, और तो बिग बॉस एंजॉय करता है। प्लीज, आई एम इन द फ्लो। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मुखर्जी फैमिली का फेम और कंट्रोवर्सी द कार्डेशियन फैमिली से कम नहीं है, जहां कार्डेशियन फैमिली भी कंट्रोवर्सी से ही फेमस हुई। बाद में कीपिंग अप विद कार्डेशियंस टीवी शो से कार्डेशियंस को फेम मिला। इस डॉक्यूमेंट्री में संजीव, पीटर और राहुल को छोड़ के वो हर एक आदमी फीचर हुआ जो इस केस से जुड़ा हुआ था। और स्टार्टिंग से ये डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनी है कि तुम्हें लगेगा कि हाँ, खूनी तो इंद्राणी ही है। हर एक एविडेंस उसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। और पहले के 2 एपिसोड्स में इंद्राणी मुखर्जी विलन नहीं है, मॉन्स्टर है, और विक्टिम है उनके बच्चे विधि, मिखेल एंड शीना बोरा। और शीना बोरा का बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी। हाँ, I think I have no family. पर ये डॉक्यूमेंट्री इन सारे लोगों पे सवाल उठाता है कि शीना के गायब होने पे किसी ने भी कंप्लेन क्यों नहीं की? क्या घर में किसी इंसान का गायब हो जाना इतना नॉर्मल है मुखर्जी फैमिली के लिए? डॉक्यूमेंट्री में कई बार तुम्हें इंद्राणी मुखर्जी कैंडिड मूवमेंट्स में भी दिखेगी कि वो अपनी हाउस हेल्प से चाय बनवा रही है, इस केस पे रिसर्च कर रही है, अपने लॉयर से बात कर रही है, डांट खा रही है। इंद्राणी, चिल चिल। हाँ,
इस डॉक्यूमेंट्री में तुम्हें इंद्राणी मुखर्जी के बच्चों के लिए बुरा फील होता है अंटिल एंड में ये दिखाया गया कि ये सब इंद्राणी मुखर्जी को स्टार्टिंग से गाली दे रहे हैं पर क्या वो उनसे प्यार भी करते हैं या फिर स्टेटस और लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए वो बस अपनी माँ का साथ दे रहे हैं काफी वियर्ड लाइक मिखाइल ने ये तक कहा कि उसे ड्रग्स देके रिहैब में डाला गया था और वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा था पर बाद में वो अपनी मॉम से ट्रैवलिंग के लिए पैसे लेता और नई गाड़ी के लिए पैसे ले रहा है इवन तो उसके नाना नानी बीमार थे विधि अपनी मॉम को पहले नफरत करती थी पर जब इंद्राणी को एक बेटर लाइफ पार्टनर मिले पीटर जो फाइनेंशियली उनका स्टेटस अपग्रेड कर दें तो विधि और इंद्राणी के रिलेशनशिप्स भी ठीक हो गए और एंड में ऐसा दिखाया गया कि ये पूरी फैमिली ही अजीब है और कुछ तो छुपा रही शायद सबको कुछ पता है जो किसी को नहीं पता नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देख के ऐसा लगेगा कि इंद्राणी मुखर्जी को ये गिल्टी दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है और एंड में इंद्राणी मुखर्जी शायद से इनोसेंट भी है जो इस डॉक्यूमेंट्री को काफी हद तक स्क्रिप्टेड दिखाता है आई मीन हाँ स्क्रिप्टेड तो है बट यू नो व्हाट आई मीन ये डॉक्यूमेंट्री इंद्राणी मुखर्जी की तरफ से एक फाइनल क्वेश्चन रेज करती है कि शीना बोरा इज अलाइव एंड नेटफ्लिक्स भी इसी एजेंडा को पुश करता दिखा और एंड में इस डॉक्यूमेंट्री से काफी कुछ क्लियर होना चाहिए था पर इस डॉक्यूमेंट्री ने हम सबको ही कंफ्यूज कर दिया नो ऑफ कोर्स नॉट इंद्राणी मुखर्जी की बेल एक सवाल उठाती है जो झूठ 3 साल तक इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी फैमिली को बोला वही झूठ इंद्राणी मुखर्जी आज पूरी दुनिया को बोल रही है दैट शीना बोरा इज अलाइव तो एंड में जनता तो कंफ्यूज है ये बात तो क्लियर है लोग कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे कि इंद्राणी मुखर्जी गिल्टी है या इनोसेंट पर एक सवाल का जवाब शायद राज ही रह जाएगा कि व्हाट हैपेंड टू शीना बोरा डिड यू मैरी योर डॉटर शीना What a stupid question. तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस Netflix की डॉक्यूमेंट्री के बारे में क्या ये तुम्हारे सवालों का जवाब देता है या तुम्हें और कंफ्यूज कर देता है तुम्हें क्या लगता है इंद्राणी मुखर्जी इनोसेंट है या गिल्टी है मान लो जैसे हम कोर्ट बैठे हैं बट तुम्हारा क्या ख्याल है अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना उससे हमारा एंगेजमेंट जरूर बढ़ता है अगर तुम चैनल पे नए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा देना जाने से पहले और तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स हम मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में तब तक के लिए ओके बाय गोली क्यों मारा उन्हें इंद्राणी मुखर्जी मर्डर केस अरे भाई मैं ही था खूनी मैं ये डाल दूंगा क्लिप सब लाइक हां सर यही है देखो एक्सेप्ट किया उसने वीडियो देखी ना अब Like, share, subscribe, like, share, subscribe, huh? Go, like, share, subscribe, like, share, subscribe.